मैं आपको बता देता हूं, कंज्यूमर थ्योरी के अंदर आपको पढ़ना होता है डिमांड एनालिसिस, इसके अलावा यूटिलिटी एनालिसिस, ये दो चीजें आपको पढ़नी होती हैं। तो डिमांड थ्योरी में आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ना होगा, यानी कि अगर आप इसमें दोनों टॉपिक कवर करते हैं, जिसमें इलास्टिसिटी के जो मेथड है, मेजरमेंट है, फैक्टर फैक्टर है, स्लोप किस तरीके का होता है, फैक्टर्स क्या हैं, तमाम चीजें आपको पढ़नी चाहिए, कोई भी चीज आपको छोड़नी नहीं है। इसके अलावा जब यूटिलिटी एनालिसिस की बात करते हैं, तो यूटिलिटी एनालिसिस में कार्डिनल अप्रोच आती है जो कि मार्शल के द्वारा दी गई है, इसके अलावा ऑर्डिनल अप्रोच आती है, एडिनल अप्रोच जो है वो हिक्स की है। देखिए ऑर्डिनल अप्रोच केवल इंडिफरेंस कर नहीं है, इसके अलावा रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी भी है और रिवीजन थ्योरी ऑफ डिमांड भी है। तो ये सारे के सारी चीजें आपको पढ़नी चाहिए, तब जाके आपका कंज्यूमर बिहेवियर का चैप्टर कंप्लीट होगा। यानी कि अगर आप कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना चाहते हो तो आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, चैप्टर नंबर वन जो कि आपका है डिमांड एनालिसिस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके अलावा यूटिलिटी एनालिसिस ये पढ़ना पड़ेगा, इंडिफरेंस कर पढ़ना पड़ेगा, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी पढ़नी पड़ेगी और रिवीजन थ्योरी ऑफ डिमांड, जिसको कि हम लॉजिकल ऑर्डरिंग थ्योरी भी कहते हैं। तो ये छह चैप्टर अगर आप पढ़ोगे तब जाकर आपका एक यूनिट यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर कंप्लीट होगा। ये बच्चों यूजीसी नेट का सिलेबस है। ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर बिहेवियर में केवल यही आता है, कंज्यूमर बिहेवियर में दो और टॉपिक आते हैं जिसको कि हम बोलते हैं फ्रीडमैन सेवरेज हाइपोथेसिस एंड लॉजिकल ऑर्डरिंग थ्योरी। अब ये क्या किया है, आपके सिलेबस में एक अलग से कंटेंट बना दिया गया है, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी टूवर्ड एटीट्यूड टूवर्ड्स रिस्क, जो कि आपका थर्ड पॉइंट है। तो हालांकि कंज्यूमर थ्योरी ये भी है, तो जब हम अपनी प्लेलिस्ट बनाएंगे, जब हम YouTube पे भी प्लेलिस्ट बनाएंगे या अपनी जब कोर्स डिजाइन करेंगे, तो ब्लॉक वन के बाद आपको जो ब्लॉक टू मिलेगा वो आपको ये वाला नहीं मिलेगा, हमारे एप्लीकेशन में थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं मिलेगा, बल्कि डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी वाला ब्लॉक टू मिलेगा आपको जब आप हमसे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से बच्चों आप हमारी एप्लीकेशन के थ्रू भी पढ़ सकते हो। यहाँ मैं आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बता देता हूँ, सबसे पहले कौन सी थ्योरी आई, उसकी क्या आलोचना थी और क्यों वो दूसरी थ्योरी आई, ये हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो कंज्यूमर थ्योरी में सबसे पहली जो थ्योरी आई है वो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस आई है, जिसको कि मार्शल के द्वारा पॉपुलराइज किया गया था 1890 में। ये बुक आई उनकी प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें उन्होंने अपनी थ्योरी को डेवलप किया, जिसके अंदर डिमांड यूटिलिटी थ्योरी, हालांकि समय समय पर और भी इकोनॉमिस्ट ने उसको डेवलप किया, जैसे 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 आप कह सकते हो उसका जो जो गॉसन फर्स्ट लॉ है, गॉसन सेकंड लॉ है, वो सारे के सारी चीज़ें गॉसन के द्वारा डेवलप की गई हैं। लेकिन बेसिकली जो जो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस है उसका श्रेय जाता है 1980 में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस कौन सी बुक पहले आई या किस राइटर ने कौन सी बुक लिखी, या ये भी पूछ सकता है कि ऑर्डर में आपको अरेंज करना होगा। तो कोई भी तरीका हो, अगर आप ये याद कर लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड सारे पॉइंट आपके कवर हो जाएंगे। इसके अलावा इंडिफरेंस कर्व थ्योरी जो है वो हिक्स ने एलन की थी, और जो इसको पॉपुलराइज किया हिक्स ने, हिक्स की पुस्तक थी वैल्यू एंड कैपिटल, 1934 में आई थी। इसके बाद देखिए जो मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच है, ये ऑर्डिनल अप्रोच है, सॉरी कार्डिनल अप्रोच है, यानी कि यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं नंबर्स में, इसको विरोध करने के लिए, इस बात को गलत ठहराने के लिए ही हिक्स ने इंडिफरेंस कर्व अप्रोच को डेवलप किया, जो कि कार्डिनल अप्रोच है, यानी कि यहां पे यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते, केवल नंबर में अरेंज कर सकते हैं, तो वो कार्डिनल अप्रोच हो गई। यहां पे बच्चों दूसरी बात आपको समझनी है कि जो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है वो भी कार्डिनल अप्रोच है। हिक्स ने जो यूज किया था वो यूज किया था वीक ऑर्डर, और जो 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 सैमुएलसन है उनकी थ्योरी बेस्ड है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पर। वीक ऑर्डर क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर क्या है, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है बच्चों। अब मैं छोटी सी वीडियो में इतना सारा कैसे बढ़ा दूंगा, इसलिए धीरे धीरे करके आप जुड़े रहिए, आपको कंसेप्ट समझ में आते रहेंगे। तो ये थ्योरी के बाद जो थ्योरी डेवलप हुई है कि अनसर्टेनिटी के केस में हम किस तरीके से बिहेवियर करते हैं, जब रिस्क होता है हम किस तरीके के बिहेवियर करते हैं, तो न्यूमैन मॉर्गेस्टन की अप्रोच आती है 1944 में। बुक का नाम था द थ्योरी ऑफ गेम एंड इकोनॉमिक बिहेवियर। बच्चों मैं आपको सैमुएलसन की बुक का नाम बताना भूल गया, उनका नाम उनकी बुक का नाम था कंज्यूमर सॉरी इनका आर्टिकल था कंज्यूमर थ्योरी इन टर्म ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस। इसके अलावा फ्रीडमैन सेवरेज की एक हाइपोथेसिस है, उस ये हाइपोथेसिस 1948 में आई, ये भी कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर ही आती है। इसके अलावा द यूटिलिटी एनालिसिस इज इन्वॉल्विंग रिस्क। इसके अलावा लॉजिकल ऑर्डरिंग थ्योरी हिक्स
1956 में आई रिवीजन थ्योरी ऑफ डिमांड। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि इसके बाद डेवलपमेंट रुक गया। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में भी हम किस तरीके का हम कंज्यूमर बिहेवियर को एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से या प्रलोभन देकर किस तरीके से हम कंज्यूमर बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, वो भी एक तरीके की थ्योरी आ सकती है। तो उस थ्योरी के बारे में भी हम प्रयास करेंगे बनाने का, लेकिन अभी फिलहाल हमारा प्लान नहीं है उसे बनाने का, क्योंकि वो फिर अगर हम उस वाले कंसेप्ट में चले गए तो आपको दो चार चैप्टर और एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ जाएंगे। इसलिए अब हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक यूजीसी नेट में जो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम ऐड करते रहेंगे, यानी कि अगर कोई लगता है कि इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो फिर हम पूरा का पूरा टॉपिक ऐड करेंगे। तो ये सारा का सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये वाला आपको सारा का सारा मिल जाएगा ब्लॉक वन में। अच्छा, ब्लॉक तो बच्चों इकोनॉमिक्स की विचारधारा को लेकर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ऐसे हैं जिनके बीच में आपस में ही मतभेद रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक्स की कोई ऐसी सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। देखिए, अगर आप परिस्थिति के हिसाब से देखोगे तो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग डेफिनेशन जो है वो वैलिड रही है, पर मोटे तौर पर अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है ओकियोनोमिकोस। ओक्यूज का मतलब होता है होम और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो इसका मतलब अगर हम शब्दार्थ में देखें कि मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स को अगर हम वर्ड मीनिंग का मतलब समझें तो इसका मतलब होता है होम मैनेजमेंट। तो यहाँ पे होम का मतलब आप व्यापक स्तर पे भी ले सकते हो, एक इंडिविजुअल के लिए भी ले सकते हो, एक सोसाइटी के लिए भी ले सकते हो, एक देश के लिए भी ले सकते हो, ठीक है, एक विश्व के लिए भी ले सकते हो, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमी, होम डोमेस्टिक इंडियन इकोनॉमी या डोमेस्टिक इकोनॉमी, तो कई कई वर्डों पे इसको लिया जाता है। तो इसका मतलब इकोनॉमिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है, इसके अंदर पूरा का पूरा वर्ल्ड भी समाया हुआ है, पूरी की पूरी इकोनॉमी भी समाई हुई है, ठीक है। तो अगर हम बात करें डेफिनेशंस की, तो बच्चों कई तरीके की कैटेगरीज हैं जिनको हमने डिफाइन किया है। मोटे तौर पर देखेंगे तो इसको पांच कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। ऐसा नहीं है कि ये पांच डेफिनेशन केवल इन पांच लोगों के द्वारा ही दी गई है, बल्कि और लोगों के द्वारा भी दी गई है। तो सबसे पहले वेल्थ डेफिनेशन है जो कि एडम स्मिथ के द्वारा दी गई 1776 में, सॉरी। इसके अलावा वेलफेयर डेफिनेशन जो है वो मार्शल के द्वारा दी गई 1890 में। इसके अलावा बच्चों स्कैर्सिटी डेफिनेशन है वो रॉबिन्सन के द्वारा दी गई 1922 में। इसके अलावा पॉल सॉमिसन ने भी ग्रोथ डेफिनेशन दी 1948 में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मॉडर्न डेफिनेशन के नाम से जाना जाता है वो एसी दास की है जो कि 2011 में है। तो इनके बारे में बच्चों हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वेल्थ ऑफ वेल्थ डेफिनेशन की, जो कि एडम स्मिथ के द्वारा दी गई, जो बुक थी उनका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। एक्चुअली वेल्थ ऑफ नेशन तो इसको शॉर्ट में कहते हैं। पूरा जो बुक का नाम था वो था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन इन 1976। देखिए, अगर हम बात करें इस दौर की, तो इसमें मर्केंटलिस्ट से रहा है। मर्केंटलिस्ट क्या करते थे, केवल पैसे को ही सब कुछ मानते थे। तो उनका यह मानना था कि केवल देश में केवल और केवल गोल्ड को इकट्ठा करना ही जरूरी है। तो एक तरीके से वो प्रोटेक्शनिज्म पे बेस थे। मदर कंट्री के बारे में आपने सुना होगा कि वो जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड मदर कंट्री है, तो वो केवल चाहता था कि उसकी कंट्री का ही ग्रोथ हो, बाकी की जो उपनिवेशिक कंट्रीज हैं उनका डेवलपमेंट ना हो। तो 1976 में एडम स्मिथ पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मर्केंटलिज्म की जगह ओपन इकोनॉमी की बात की, और इस मुक्त व्यापार में उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, यानी कि उन्होंने कहा अ साइंस विच इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, यानी कि उन्होंने इकोनॉमिक्स को कहा कि इकोनॉमिक्स वो है जो वेल्थ क्रिएट करता है, जो नेचर के बारे में जानकारी लेता है, और इस सबसे इंपॉर्टेंट इंपैक्ट ये होगा कि जो इकोनॉमिक्स है वो आपको एक तरीके से वेल्थ क्रिएट करके देगा। तो यानी कि इसकी पूरी डेफिनेशन में सारा का सारा फोकस वेल्थ पे किया गया है, संपत्ति पे किया गया है। तो कई लोग इसकी आलोचना करते हैं क्योंकि उनका यह मानना है कि केवल इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव वेल्थ क्रिएट करना नहीं होता, एक बहुत ही नैरो कंसेप्ट है। साथ ही साथ कई इकोनॉमिक्स का यह मानना है कि केवल और केवल वेल्थ क्रिएट करने से ही कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे और भी प्रोस्पेक्टिव होते हैं, जैसे वेलफेयर है या हमारे रिसोर्सेज का यूज करना, वो भी बहुत जरूरी है इकोनॉमिक्स होने के नाते। तो इकोनॉमिक्स जब तक आप वेल्थ डिफाइन करोगे तो इकोनॉमिक्स एक बहुत ही छोटे से चीज में संकुचित होकर रहेगा। तो मार्शल ने इस डिफाइन को बड़ा किया 1890 में, उनकी बुक थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, उसमें उन्होंने अपने इकोनॉमिक्स के विचार दिए। और सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट था, उन्होंने इकोनॉमिक्स को वेलफेयर से जोड़ दिया, यानी कि उनके हिसाब से इन 1980s में, आपको मैं पढ़ देता हूं, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ठीक है, यानी कि एक आम जो लोगों की जीवन में जो कल्याण का लाता है उसके बारे में जानकारी करना ही इकोनॉमिक्स है। इट एग्जामिन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी सोशल एक्शन विच इज मोस्ट क्लोजली कंसिडर विद द
अटेनमेंट एंड विद यूज ऑफ मटेरियल रिक्वेस्टीज ऑफ वेल बीइंग, यानी कि एक इंसान की वेल बीइंग से जुड़ी हुई जब चीजों को बारे में जानकारी लेना ही इकोनॉमिक्स है, उनकी डेफिनेशन इस तरीके की है, उसको भी कंसिडर किया। तो हालांकि उनकी आलोचना इस बात से भी की जाती है कि उन्होंने जो इकोनॉमिक्स को लिया वो केवल सोशल साइंस के लिया, ह्यूमन साइंस उन्होंने नहीं माना, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जो अगली डेफिनेशन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो स्कैर्सिटी डेफिनेशन है। हम सभी लोग जानते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है और लिमिटेड रिसोर्सेज में हम अपनी सभी वांट्स को पूरा नहीं कर सकते। तो एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एन एस्से ऑफ द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस 1932 में रॉबिन्स ने, उन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया जिसमें उनका फोकस चॉइस और स्केयरसिटी पे रहा, यानी कि स्केयर रिसोर्सेज के बीच में हम किस तरीके से चॉइस करें कि मैक्सिमम आप कह सकते हो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो सके, उसको उन्होंने स्केयरसिटी डेफिनेशन कहा। तो उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड एंड स्केयर मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेज, यानी कि एक इंसान के द्वारा अपने स्केयर रिसोर्सेज का स्केयर्स मींस का किस तरीके से यूटिलाइजेशन किया जाएगा इसकी स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो इस डेफिनेशन के अलावा बच्चों हम बात करें ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन की, जो कि पॉल सेमिनसन के द्वारा दी गई है। तो पॉल सेमिनसन की बुक थी इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस 1984 में, उसमें उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी और इंप्लॉय द स्केयर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज विच हैव ऑल्टरनेटिव यूज टू प्रोड्यूस, ठीक है, वेरियस कम्युनिटी ओवर टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूट विद देम फॉर कंजम्पशन नाउ एंड इन फ्यूचर अमंग्स वेरियस पीपल्स एंड ग्रुप ऑफ सोसाइटी। यानी कि अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो उनका यह कहना था कि इकोनॉमिक्स जो है उसमें हमें यह देखना है कि किस तरीके से हम अपने रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूज करें जिससे कि लोगों की वेलबींग बढ़े, सोसाइटी में ग्रोथ हो, ठीक है, यानी कि ओवरऑल जो रिसोर्सेज हैं वो इंप्रूवमेंट होना चाहिए, उनका ये मानना था। तो बच्चों ये सारी की सारी डेफिनेशन काफी नैरो है, आजकल जो एक नई मॉडर्न डेफिनेशन है जो कि एसी दास के द्वारा दी गई है, जिनकी बुक थी मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स 2011। तो इस डेफिनेशन को आप देखिएगा, इसमें काफी अच्छी डेफिनेशन दी गई है इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ चॉइस, किसकी चॉइस की स्टडी, चॉइस जो है चॉइस के बारे में इकोनॉमिक्स स्टडी करती है, मेकिंग बाय इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी नेशन एंड ग्लोब, यानी कि चॉइस है ये कौन कर सकता है, इंडिविजुअल भी कर सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन भी कर सकता है, कोई सोसाइटी भी कर सकती है, कोई नेशन भी कर सकता है और पूरा का पूरा विश्व भी कर सकता है। किसके बारे में चॉइस करना है, अंडर कंडीशन ऑफ स्केयरसिटी एंड सरप्लस टूवर्ड्स मैक्सिमाइजिंग बेनिफिट एंड सेटिस्फाइंग देयर अनलिमिटेड नीड्स एट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो यहां पे उन्होंने कहा कि केवल और केवल हमें प्रेजेंट की नीड्स को पूरा नहीं करना बल्कि हमें फ्यूचर की नीड्स को भी पूरा करना है, यानी कि एक तरीके से सस्टेनेबिलिटी की बात यहां पे की जा रही है बच्चों। तो बच्चों इस डेफिनेशन में हमें अगर हम पढ़े तो हमें यह पता चलता है कि इकोनॉमिक्स जो है उसमें प्रोडक्शन भी आ जाएगा, कंजम्पशन भी आ जाएगा, बेनिफिट्स जो रिसोर्सेज के जो हमारे पास कुछ रिसोर्सेज देखिए स्केयर्स हैं, कुछ रिसोर्सेज सरप्लस में हैं, तो उनको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए और ताकि जो करंट पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी को भी डेवलपमेंट कर सके। तो बच्चों ये कुछ बेसिक डेफिनेशन है जो मैंने आपसे डिस्कस की, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेसिकली डेफिनेशन समझ में आ गया हो। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा इकोनॉमिक्स क्या है तो मैं आपसे बोलूंगा इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, ये ह्यूमन साइंस भी बोल सकते हो आप इसको, जिसके अंतर्गत हमें क्या करना होता है, अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना होता है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, ऑफ वेलबींग हो सके इंडिविजुअल व्यक्ति की और सोसाइटी की, यानी कि सोशल वेलफेयर हो सके जिससे कि इंडिविजुअल वेलफेयर हो सके और जिससे कि भविष्य की पीढ़ी का भी विकास हो सके, ऐसी साइंस को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में हम इतना ही करा रहे हैं, आने वाली वीडियो में बच्चों माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है। बच्चों बहुत ही बेसिक टॉपिक है, अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में इवन 12th क्लास में भी पढ़ोगे, 11th क्लास में भी पढ़ोगे तो भी आपको ये टॉपिक मिलेगा, लेकिन मैं आपको एडवांस लेवल पे भी ये टॉपिक एडवांस इकोनॉमिक्स की बेस तैयार कराने के लिए ये टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूँ। तो देखिए जैसे हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स में एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, उसी तरीके से इकोनॉमिक्स के दो डिवीजन किए जाते हैं जिसमें से एक होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, दूसरा होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आखिरकार पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है,
तो मैं आपको बता देता हूं कि जिस तरीके से डॉक्टर समस्या का कारण बताता है और समाधान करता है, यानी कि देखिए जब हम बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब है कि हम जो भी फैक्ट है उसको वेरीफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर बात सच और झूठ से नहीं है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का केवल ये मतलब है कि हम किसी फैक्ट को वेरीफाई कर सकते हैं या नहीं वेरीफाई कर सकते। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि भारत की जनसंख्या 200 करोड़ है, अब आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरा वजन 40 किलोग्राम है, आप इसे वेरीफाई कर सकते हो। इसी तरीके से जन इकोनॉमिक्स के जितने भी फैक्ट्स हैं या फिगर्स हैं जिनको आप वेरीफाई कर सकते हो इकोनॉमिक्स स्टैटिकल टूल के माध्यम से, इकोनोमेट्रिक्स टूल के माध्यम से, वो सारे के सारे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। मैं आपको 5 एग्जाम्पल देके बता देता हूं। तो पहला एग्जाम्पल मान लीजिए हम कहते हैं कि मान लीजिए मेरी एज 30 वर्ष है, तो ये हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए भारत जो है उसमें जनसंख्या 100 करोड़ है, ये भी हम फैक्ट फिगर को वेरीफाई कर सकते हैं। इसका सिंपल मतलब बच्चों ये हुआ कि जब हम किसी बात को देखिए, सही गलत से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ये मैं आपको ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सही और गलत का मतलब है, मतलब ये है कि हम केवल फैक्ट को वेरीफाई कर सकते हैं कि नहीं वेरीफाई कर सकते, उसको बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं बच्चों, जिसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि आपको सुबह उठ के पढ़ना चाहिए जिससे आपके अच्छे नंबर आए, अब अच्छे नंबर आने के लिए बहुत सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो सुबह उठने से अच्छे नंबर कितने आएंगे ये आप वेरीफाई कैसे करोगे, कोई स्टैटिकल टूल नहीं है आपके पास वेरीफाई करने का। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बताते हैं कि इकोनॉमिक समस्या को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो उसको हम एक तरीके से जजमेंट पास कर रहे हैं। तो जब हम किसी समस्या से रिलेटेड जजमेंट पास करते हैं उसको बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब है कि हम जजमेंट पास नहीं करते, हम सिंपल ये बता रहे हैं कि आपके पास क्या था, क्या है और क्या होगा। यानी कि प्रोजेक्शन करना भी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहलाता है, जो कि स्टैटिकल मेथड के द्वारा वेरीफाई किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि भारत की जनसंख्या 2060 में 150 करोड़ होगी, अब यहां पे हम स्टैटिकल टूल के माध्यम से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि भारत में अगर आपको जनसंख्या कम करनी है तो वन चाइल्ड पॉलिसी का प्रयोग करना चाहिए, तो ये एक तरीके का सजेशन हो गया। तो सिंपल शब्दों में कहें तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताता है कि इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है, आप फैक्ट्स और फिगर को स्टैटिकल टूल्स के माध्यम से वेरीफाई कर सकते हो, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आपको केवल सजेशन देता है, इसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते हो। यानी कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स समस्या के समाधान को बताता है। तो इकोनॉमिक्स की दोनों ही ब्रांच होती हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ब्रांच में हम किसी समस्या के बारे में जानते हैं, समस्या क्या है, समस्या क्या थी, समस्या क्या हो सकती है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में बच्चों हम उसी समस्या के समाधान के बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिरकार इस समस्या को समाधान करने के लिए, इस समस्या को सॉल्व करने के लिए कौन से इकोनॉमिक टूल्स का प्रयोग किया जाए। तो ये बच्चों आपको याद रखना है पहली बात। और दूसरी बात हमने आपको बता दिया कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेटेड है व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट विल बी, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है व्हाट आउट टू बी, यानी कि क्या किया जाना चाहिए, जनसंख्या को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, देश की बेरोजगारी को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। जब हम सजेशन की बात करते हैं, जब हम सजेशन देते हैं, जब हम ये बताते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, तो हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात कर रहे होते हैं। इसके अलावा बच्चों वैल्यू जजमेंट की बात करते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में किसी भी तरीके का वैल्यू जजमेंट पास नहीं किया जाता, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में वैल्यू जजमेंट पास किया जाता है। इसका मतलब वैल्यू जजमेंट का मतलब है कि क्या होना चाहिए। देखिए सजेशन जो होता है वो वैल्यू जजमेंट होता है। जैसे देखिए आप मान लीजिए आप आ रहे हो, आप जो हो वही आप दिख रहे हो, ये एक तरीके का क्या है, फैक्ट है। लेकिन वैल्यू जजमेंट का मतलब है कि बिना ये जाने मैं आपके बारे में सोचता हूं कि आप अच्छे लड़के हो, आप खराब लड़के हो, आप सुंदर हो, आप इंटेलिजेंट हो। यानी कि यहां पे अब मान लीजिए चलिए मैं आपसे 10 मिनट बात करता हूं और 10 मिनट बात करने के बाद मैं आपका फैसला लेता हूं कि आप इंटेलिजेंट हो, तो इसका मतलब ये वैल्यू जजमेंट हुआ एक तरीके का। मैंने अपने आप को बताया कि आप इंटेलिजेंट हो, इसका मतलब जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है वो तो वैल्यू जजमेंट पास करता है, लेकिन जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है वो केवल और केवल फैक्ट एंड फिगर के बेस पे चलता है, यहां पे किसी भी तरीके का वैल्यू जजमेंट पास नहीं होता। तो बच्चों बहुत सारे एग्जांपल हमने आपको दिए, तो यहां पे भी कुछ एग्जांपल है। जैसे 2011 में जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 121 करोड़ है, अब ये सही है गलत है ये तो वेरीफाई किया जा सकता है, कोई वैल्यू जजमेंट तो हमने पास किया नहीं, तो इसको बोलते हैं बच्चों पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर अब ये कह रहे हैं कि पॉपुलेशन को कम करने के लिए
फैमिली प्लानिंग जरूरी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक तरीके से जजमेंट पास कर रहे हैं और ये पार्ट हो जाता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का। तो बच्चों जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, समस्या को भी समझते हैं और समस्या के समाधान को भी समझते हैं। इसीलिए इकोनॉमिक्स को साइंस भी कहा जाता है, सोशल साइंस कहा जाता है, यानी कि समाज से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करने का काम भी इकोनॉमिक्स बच्चों करता है। तो मैं इस वीडियो में आपको इतना ही करा रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी वो सब आपको मिल गई होगी। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो में आगे बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच के डिफरेंस की। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को जिस तरीके से पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिवाइड किया जाता है, उसी तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी डिवाइड किया जाता है। यानी कि इकोनॉमिक्स में सबसे पहले जो ब्रांच आई वो माइक्रो इकोनॉमिक्स आई और वर्तमान में मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो काफ़ी पॉपुलर इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, आपको बेसिक्स में के बेसिक मजबूत कराने के हिसाब से हम आपको ये करा रहे हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है इंडिविजुअल यूनिट, यानी कि जब हम किसी इंडिविजुअल यूनिट के स्टडी करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स उसको कहते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है। और जब हम पूरी की पूरी इकोनॉमी पर हम स्टडी करते हैं तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। मान लीजिए कि हम ये कहते हैं कि मैं जो आलू खरीदता हूँ या मैं जो ऑनियन खरीदता हूँ, प्याज खरीदता हूँ, उसकी डिमांड चल रही है। तो जो ऑनियन की डिमांड है, जो पोटैटो की डिमांड है, इट्स कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड। यानी कि मेरे द्वारा जो ऑरेंज की डिमांड की गई है, सॉरी पोटैटो की डिमांड की गई है या ऑनियन की डिमांड की गई है, वो इंडिविजुअल डिमांड है। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है। अब मान लीजिए मैं कहता हूं कि इंडिया का हर व्यक्ति जो ऑनियन खरीद रहा है, ऑनियन के प्राइसेस बढ़ गए, तो क्या ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा या माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा? आपको याद रखिएगा कि पूरे के पूरे इंडिया की कीमत, इंडिया में ऐसा हुआ है। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है, क्योंकि जब हम बात करते हैं ऑनियन की तो ऑनियन जो है वो पूरी की पूरी इंडिया के प्राइस लेवल को रिफ्लेक्ट नहीं करती है। लेकिन जब हम इन्फ्लेशन की बात करते, देखिए इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन एक बास्केट है, गुड्स का बास्केट है। जब इन्फ्लेशन, जब बास्केट की कीमतें बढ़ जाती है तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। यानी कि जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इंडिया में जनरल प्राइस लेवल बढ़ गया, यानी कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात आ गई। जब हम बात करते हैं प्राइस डिटरमिनेशन की, जैसे मान लीजिए कि मेरी इकोनॉमिक्स के कोर्स की फीस कितनी होगी, ये एक माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आएगा कि देखिए जो रुपीज़ है वो डीवैल्यूएट हो रहा है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का आएगा, क्योंकि सभी के ऊपर असर पड़ेगा। इंटरनेशनल ट्रेड पर जो असर पड़ रहा है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। जो देश में फेक करेंसी की समस्या है वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी, यानी कि एक ऐसी प्रॉब्लम जो पूरे के पूरे देश की समस्या को रिप्रेजेंट कर रही है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर रही है, वही मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो आएगा जो हम इंडिविजुअल यूनिट को इन्फ्लुएंस करती है। यानी कि जब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आने वाली जो चीज है वो है पूरी की पूरी इकोनॉमी, एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी के लेवल पे, यानी कि पूरी की पूरी इकोनॉमी के लेवल पर है। इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इनकम डिटरमिनेशन हो गया, मनी हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, ये पूरी की पूरी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करती है। फिस्कल पॉलिसी केवल आपको थोड़ा इन्फ्लुएंस करेगी, मुझे भी करेगी, मेरे पड़ोसी को भी करेगी। इसी तरीके से मॉनिटरी पॉलिसी भी पूरी की पूरी इकोनॉमी के लेवल को इन्फ्लुएंस करेगी। तो जब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसे वेरिएबल को चुना जाता है जो पूरे के पूरे इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करते हैं, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसे वेरिएबलों को हम चुनते हैं जो केवल और केवल कुछ इंडिविजुअल यूनिट के को ही इन्फ्लुएंस करते हैं। तो एम क्या है बच्चों, देखिए जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एम होता है प्राइस डिसाइड करना। किसका प्राइस डिसाइड करना? या तो जैसे मान लीजिए मैं कह देता हूं डिमांड ऑफ लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर, यानी कि किसी फैक्टर का प्राइस डिसाइड करना, ये वेज डिसाइड हो गया, या किसी गुड्स का प्राइस डिसाइड करना। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो बेसिक कंसिडरेशन होता है, जो बेसिक फोकस एरिया होता है, वो किसी फैक्टर का प्राइस डिसाइड करना है या किसी गुड्स का प्राइस डिसाइड करना होता है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डिसाइड करने का काम करती है नेशनल इनकम का लेवल, नेशनल आउटपुट का लेवल क्या होगा, नेशनल एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या होगा,
इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो फील्ड ऑफ एरिया है वो बहुत ब्रॉड है एज कंपेयर टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अलावा बच्चों टूल्स की बात करें तो देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो टूल्स माने जाते हैं वो डिमांड एंड सप्लाई माने जाते हैं, यानी कि हर चीज डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा डिसाइड होती है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के जो टूल्स है वो डिसाइड करते हैं। बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस करा देता हूँ इंडिविजुअल डिमांड में, मार्केट डिमांड में और एग्रीगेट डिमांड में। इसी तरीके से इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई और एग्रीगेट सप्लाई, जिससे कि आपको कम से कम कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि तीनों का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए मेरे द्वारा जो ऑनियन की डिमांड की जाती है वो इंडिविजुअल डिमांड है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैंने ऑनियन खरीदा, ऑनियन की जो डिमांड है वो इंडिविजुअल डिमांड है। लेकिन जो ऑनियन की डिमांड पूरे के पूरे मार्केट के द्वारा, पूरी की पूरी इकोनॉमी के द्वारा की जा रही है, इट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड ऑफ ऑनियन, यानी कि ये मार्केट डिमांड हो गई, क्योंकि मेरे द्वारा की गई डिमांड इंडिविजुअल डिमांड है और सभी व्यक्तियों के द्वारा की गई डिमांड आप कह सकते हो मार्केट डिमांड है। लेकिन एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं जब हम, तो एग्रीगेट डिमांड के अंदर पूरी की पूरी इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, आलू, प्याज, टमाटर, एसी, फ्रिज, सभी चीज़ों की जो डिमांड है उन सबको जोड़कर हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। उसी तरीके से अगर एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो सप्लाई कर रहा है, जैसे मान लीजिए मैं आपको वीडियो कोर्स सप्लाई कर रहा हूँ, तो ये इंडिविजुअल सप्लाई है, और तमाम टीचरों के द्वारा या तमाम चीज़ों के द्वारा वीडियो सप्लाई करना वो मार्केट सप्लाई है। लेकिन जब हम एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं तो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में प्रोड्यूस होती हैं सभी की सप्लाई को बोलते हैं हम एग्रीगेट सप्लाई। तो ये आप चीज़ें बच्चों याद रखिएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो टूल्स है वो है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं बच्चों? एक तो डिमांड आती है, सप्लाई आती है, कॉस्ट आती है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती है इन्फ्लेशन आता है, अनएम्प्लॉयमेंट आता है, ठीक है। इसके अलावा नेशनल इनकम आती है, एम्प्लॉयमेंट कैसे डिटरमिनेशन होगा, ये सब आता है, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है। तो बच्चों मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करता हूं कि ऐसा भी नहीं है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसी तरीके का रिलेशन ही नहीं है। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। जैसे यहां पे कुछ एग्जांपल हमने दिए हुए हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स पर डिपेंडेंट है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ द बिहेवियर ऑफ ग्रुप या एग्रीगेट ऑफ पीपल, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड का क्या मतलब है, लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, इकोनॉमी कैसे रिएक्ट करती है, उसी के बेस पर तो ये डिसाइड होता है कि लॉ ऑफ डिमांड कैसे बना। इसका मतलब एग्रीगेट लेवल पे जो रूल्स होते हैं वही जाके माइक्रो इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड का बनाएंगे। इसी तरीके से प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इन्फ्लुएंस बाय जनरल प्राइस लेवल, यानी कि किसी भी चीज का प्राइस जो है वो जनरल प्राइस लेवल डिसाइड करेगा। अब देखिए दूध की कीमतें बढ़ रही हैं, दूध की कीमत इसलिए थोड़ा ना बढ़ रही है क्योंकि दूध की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, लोहा महंगा हो गया, सब चीज़ महंगी होगी तो दूध की कीमत भी महंगी होगी। हालांकि लोहे का प्रयोग होता नहीं है दूध में, पेट्रोल का भी प्रयोग दूध में नहीं होता, लेकिन इकोनॉमी, ओवरऑल इकोनॉमी का इन्फ्लुएंस लेवल बढ़ता है। तो बच्चों ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको समझनी चाहिए। इसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स भी, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी डिपेंड करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स पर। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि नेशनल इनकम क्या है, इंडिविजुअल व्यक्ति की इनकम को जोड़ जोड़ के तो नेशनल इनकम बनेगी। भाई ऐसा तो है नहीं कि नेशनल इनकम निकालोगे तो मेरी इनकम को छोड़ दोगे, मेरी इनकम को जोड़ोगे और भारत के सभी लोगों की इनकम जोड़ोगे तभी तो नेशनल इनकम बनेगी, यानी कि इंडिविजुअल इनकम को जोड़ जोड़ कर ही नेशनल इनकम बनती है। इसी तरीके से एग्रीगेट डिमांड क्या है, इंडिविजुअल डिमांड को जोड़ जोड़ कर ही एग्रीगेट डिमांड बनती है। तो ये कह देना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स अलग अलग है ऐसा नहीं है, हालांकि सब्जेक्ट मैटर अलग अलग है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर छोटा होता है जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर पूरी की पूरी इकोनॉमी पर होता है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही इंटरडिपेंडेंट है। तो बच्चों अगर आप इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए आपसे मैं ये सलाह दूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को अच्छी तरीके से तैयार करें, क्योंकि अगर आपके माइक्रो और मैक्रो जो है वो एक तरीके का बेस है, पिलर है, अगर आपके ये तैयार नहीं होंगे तो आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आएगा, पब्लिक फाइनेंस समझ में नहीं आएगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप इकोनॉमिक्स हायर लेवल पर पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपना बेस तैयार कीजिए, और बेस तैयार आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में होगा, और इस बेस को तैयार करने में मैं आपकी पूरी तरीके से सहायता करूंगा। बच्चों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।